ওকে, আচ্ছা বক্তব্য কবে কর চুকে স্পেশাল জার্নল, স্পেশাল জার্নল और স্পেশাল ডে বুক। अब ये स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ स्पेशल जर्नल, तो नाम से ही क्लियर है स्पेशल। इसका मतलब ये जो डे बुक्स है ये किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जाती है। पहले इन डे बुक्स का पर्पस लिख लेते हैं, क्या पर्पस होता है, उसके बाद फिर वन बाय वन ये डे बुक्स बनाए। तो इनके पहले वो पर्पस लिख लेते हैं। ओके, अब लिखते हैं स्पेशल डे बुक्स पर्पस। ओके, कैश बुक। कैश बुक का पर्पस क्या होता है, इसका टोटल करना। कैश बुक में रिकॉर्ड क्या करेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स ऑफ चेक्स एंड कैश। कैश और चेक से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होंगी वो सब कैश बुक में रिकॉर्ड हो। कैश रिसीव किया, चेक रिसीव कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं, चेक से पे कर रहे हैं, तो रिसिप्ट पेमेंट चाहे चेक के थ्रू हो या कैश के थ्रू कैश बुक में आ जाए। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया कैश बुक का पर्पस। के बाद सेल्स डे बुक कौन सी, अब सेल्स डे बुक में क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होंगे, सिर्फ क्रेडिट सेल्स। सेल्स डे बुक में क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करेंगे। तो कैश सेल्स कहाँ रिकॉर्ड होंगी, कैश सेल्स कहाँ रिकॉर्ड होंगी, यहां तो लिखा है क्रेडिट सेल्स, और कैश सेल्स कहाँ रिकॉर्ड होंगी, कैश बुक, कैश बुक। हाँ, यहाँ पर जब कैश सेल्स करेंगे तो कैश रिसीव होगा, कुछ और जवाब देना अभी दूंगा। अपने का वजह, इसका अक्षर में जवाब देता हूँ, वजह तो हाँ क्या कह रहे हैं आप, कैश सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड क्यों नहीं करते, जब आप कैश सेल करते हैं तो कैश रिसीव होता है, कैश सेल करते हैं तो कैश रिसीव होता है, तो रिसिप्ट कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह आप कैश को परचेज करेंगे तो पेमेंट होगी, पेमेंट कहाँ रिकॉर्ड होगी, तो कैश सेल्स, कैश परचेज कैश बुक में ही रिकॉर्ड। बाकी सेल्स डे बुक में सिर्फ क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करेंगे। और इसके बाद सेल्स रिटर्न डे बुक, इसमें सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड होंगी क्रेडिट वाले से, जो आपने क्रेडिट पे सेल की उनमें से अगर कुछ रिटर्न हो रहे हैं तो वो सेल्स रिटर्न डे बुक। अच्छा परचेज डे बुक, इसमें क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करेंगे। कैश परचेज कहाँ रिकॉर्ड होंगी, कैश बुक, क्योंकि जब कैश परचेज करेंगे तो पेमेंट होगी, पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक। परचेज डे बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होंगे। परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न रिकॉर्ड हो जाएंगी। उसके बाद लास्ट है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं, जो छोटे मोटे आपके एक्सपेंसेस होते हैं डेली के, जो छोटी मोटी पेमेंट्स होती हैं डे टू डे, आपके जो स्मॉल पेमेंट्स होती हैं, स्मॉल एक्सपेंस होते हैं, वो रिकॉर्ड किया जाते हैं पेटी कैश बुक। जैसे कि स्टेशनरी मंगवानी है, गाड़ी पंचर हो गई, गेस्ट आ गया उसके लिए चाय बिस्किट हो गए, तो आपके कोरियर चार्जेस हो गए, स्टेशनरी वगैरह जैसे ऑफिस की कोई मंगवानी है, इस टाइप के जो डेली के छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं पेटी कैश बुक। जो बड़े बड़े वो कैश बुक में, हाँ बड़े एक्सपेंस आ रहे कैश बुक में, छोटे छोटे एक्सपेंस पेटी कैश।
ये कॉपी कर लें। इसके बाद इसके बाद है जर्नल, जर्नल तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। चलो एक पॉइंट यहाँ पर नोट कर लें, देखिए स्पेशल डे बुक्स और जर्नल, जर्नल ये दोनों क्या है आपके प्राइम एंट्री बुक्स है ना। जर्नल जर्नल और स्पेशल जर्नल दोनों क्या है प्राइम एंट्री बुक्स। अच्छा ये प्राइम एंट्री बुक्स को प्राइम एंट्री बुक्स क्यों कहते हैं, चलिए क्योंकि सबसे पहले ट्रांजेक्शन यही रिकॉर्ड होती है, उसके बाद फिर लेजर में पोस्ट करते हैं, तो ये कहलाते हैं आपकी प्राइम एंट्री बुक्स। अच्छा अब ये बताएं, अब ये दोनों क्या है प्राइम एंट्री बुक्स है ना, जर्नल जर्नल और स्पेशल जर्नल्स। अब मुझे ये बताएं कि अब हम एक बिजनेस है जो कि ये तमाम डे बुक्स मेंटेन कर रहा है, एक बिजनेस है हमारा तो ये तमाम डे बुक्स मेंटेन कर रहा है। अब वो बिजनेस जर्नल जर्नल में क्या रिकॉर्ड करे, सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, बैंक के अलावा जो बचेंगे सिर्फ वो रिकॉर्ड होंगी, सारी ठीक है, सारी सारी सब रिकॉर्ड करेंगे। हाँ जी क्या गल है, राइट। अच्छा आप ये सुन ले, जरा पॉइंट नोट कर लें। अच्छा आप ये पॉइंट नोट कर लें, देखिए अभी जो हम जनरल जनरल बना रहे थे, जो हमने जनरल जनरल बनाया स्टार्ट में, उसमें हमने तमाम ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड किए ना, तो वो थी हमारी प्रैक्टिस। वो जो हमने जनरल जनरल बनाया अभी स्टार्ट में, जिसमें डबल एंट्रीज बना रहे थे, उसमें हमने हर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की थी। अच्छा वो थी हमारी प्रैक्टिस, वो थी प्रैक्टिस, वो जो इतनी मेहनत आपने की, जनरल जनरल बनाया, डबल एंट्रीज बनाई, डेबिट क्रेडिट ठीक है, हाँ वो थी हमारी प्रैक्टिस। हाँ अच्छा तब ये पॉइंट नोट कर लें कि जनरल जनरल में तमाम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होती, वो सिर्फ हमारी एक प्रैक्टिस थी कि ट्रांजेक्शन की डबल एंट्री किस तरह बनाई जाती, क्योंकि आगे वो चीजें काम आएंगी ना। अच्छा तो अब एक बिजनेस है जो ये तमाम डे बुक्स मेंटेन कर रहा है, तो फिर वो जनरल जनरल में क्या रिकॉर्ड करेगा, तो इनके अलावा जो ट्रांजेक्शन बचेंगी सिर्फ वो रिकॉर्ड होंगी, ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगे, सब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगी, इनके अलावा जो ट्रांजेक्शन बचेंगी सिर्फ वो ट्रांजेक्शन जनरल जनरल में रिकॉर्ड होंगी, उनकी डबल एंट्री बनेगी। अब इनके अलावा बचती क्या है, कौन कौन से ट्रांजेक्शन बचती हैं, सही। अच्छा अब आप लिखें कि जनरल जनरल में कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी, अब इनके अलावा जो बचेंगी, अब इनके अलावा बचता क्या है, नंबर 1 क्रेडिट सेल परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, एक चीज। अच्छा अगर ये कैश पे परचेज करें तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे फिर,
कैश बुक में, ठीक है। सिर्फ क्रेडिट सेल परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट को हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल जर्नल में। अच्छा, इसके अलावा फिर एक चीज है करेक्शन ऑफ एरर्स। अगर कोई एरर आ जाता है, जब उसकी करेक्शन की जाती है, तो उसकी डबल एंट्री बनती है जर्नल जर्नल। अच्छा, ये टॉपिक हमारे कोर्स में आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी, करेक्शन ऑफ एरर। अच्छा, इसके अलावा एक पॉइंट और है, जैसे हम कहते हैं एडजस्टमेंट्स और एडजस्टिंग एंट्रीज कहलाती है, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, एक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट्स। अच्छा, अब ये बैड डेट्स क्या होते हैं, डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक्रूअल्स प्री पेमेंट्स क्या होते हैं, ये सब टॉपिक हम FA2 में पढ़ेंगे डिटेल। ये FA2 के टॉपिक है, फिलहाल आपको सिर्फ याद रखना है इनसे रिलेटेड जो एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं वो जर्नल जर्नल में बनाई। ये क्या होते हैं, एंट्रीज कैसे बनती है, ये सब हम पढ़ेंगे FA2 में डिटेल। ये डे बुक्स के पर्पस कॉपी कर ली हमने, अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बनाएंगे सेल्स डे बुक। अच्छा, सेल्स डे बुक से पहले एक चीज और नोट कर लें, सेल्स डे बुक से पहले एक चीज और नोट करेंगे। अच्छा, ये लिखें सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है, पॉइंट है, नोट कर लें। सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, ठीक, क्योंकि जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन होती है तो उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनता है, और फिर उस डॉक्यूमेंट को देखते हुए हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को हम कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स। देखिए, बिजनेस में जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट बनेगा। जैसे आप सेल कर रहे हैं, सेल के टाइम पर कौन सा डॉक्यूमेंट बनता है, कस्टमर को हम सेल कर रहे हैं, गुड सेल कर रहे हैं, तो क्या बनाएंगे, इनवॉइस बन रही है, इनवॉइस या बिल जैसे कहते हैं, इनवॉइस बन रही है। जब हम कोई सेल करते हैं तो हम बनाते हैं इनवॉइस, इनवॉइस बनाकर कस्टमर को देते हैं कि हमने कितने की गुड्स उसको सेल किए, उसमें सारी डिटेल्स होती हैं, क्वांटिटी हो गई, नाम हो गया, अमाउंट वगैरह, रेट सब कुछ आ जाए। अच्छा, जब सेल्स इनवॉइस को देखते हुए फिर हम अपने पास सेल्स रिकॉर्ड करते हैं, तो वो जो इनवॉइस है वो क्या कहलाएगी, एक सोर्स डॉक्यूमेंट। तो इसी तरह हर ट्रांजेक्शन के टाइम पर एक डॉक्यूमेंट बनेगा, और उस डॉक्यूमेंट को देखते हुए फिर हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट कहलाते। ये इसकी डेफिनेशन है, ये लिख लीजिएगा इसको, कुछ इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट आर द डॉक्यूमेंट फ्रॉम व्हिच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। और ये इसके एग्जाम्पल थे दो तीन, क्या हो सकती है, सेल्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ठीक है, ये तीन एग्जाम्पल्स हैं। मजीद डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। मोबाइल देखें, मोबाइल में मसरूफ है आप काफी देर से। इसके बाद नेक्स्ट लिखें, दोस्तों देख लेना बराबर वाले। उसके बाद आप लिखिए जरा टाइप्स ऑफ लेजर। अच्छा, हमने पढ़ा था जर्नल लेजर बनाया था ना, जर्नल लेजर, तो जर्नल लेजर में क्या बना रहे थे, टी अकाउंट्स। सब लेजर भी जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, जिनमें से जो हमने एक जर्नल लेजर बनाया वो उसकी एक टाइप है। तो टोटल थ्री टाइप्स के लेजर्स होते हैं, ये नोट कर रहे हैं, अब ये तीनों हम बनाए। पहले आपका रिसीवेबल लेजर, सेकंड पेबल लेजर और परचेज लेजर, और थर्ड है आपका जर्नल लेजर। थ्री टाइप्स के लेजर बनते हैं। अच्छा, सेल्स लेजर या रिसीवेबल लेजर में कौन सा अकाउंट बनेंगे, फॉर इंडिविजुअल या पर्सनल अकाउंट्स ऑफ क्रेडिट कस्टमर। इसमें हर कस्टमर का इंडिविजुअल अकाउंट बनेगा बाय नेम, बाय नेम। परचेज और पेबल लेजर में
पर्सनल अकाउंट्स ऑफ क्रेडिट कस्टमर, तो इसमें हर इंडिविजुअल सप्लायर का पर्सनल अकाउंट बनेगा बाय नेम, और इनके अलावा बाकी जितने भी अकाउंट्स हैं वो सब जनरल लेजर में बनाएंगे। और यहाँ पे देखें ब्रैकेट में लिखा मेमोरेंडम अकाउंट्स, ये भी नोट कर लें, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये मेमोरेंडम अकाउंट्स क्या होते हैं, इनको मेमोरेंडम अकाउंट्स क्यों कहा जाता है, ये कॉपी कर लें पहले। अच्छा आपके हो गए टाइप्स ऑफ लेजर। अच्छा अब इसमें लिखा हुआ है मेमोरेंडम अकाउंट, मेमोरेंडम अकाउंट्स क्या होते हैं इसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन करने के बाद। ओके अब क्वेश्चन करते हैं, नोट आपके पास है बाद में करेंगे। आप हो जाएंगे नहीं अच्छा। क्वेश्चन नंबर वन, इसमें हम बनाएंगे सेल्स टेबल। क्या रिक्वायरमेंट क्या है, यू आर टू एंटर अप द सेल टेबल फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, कोड भी आइटम टू द रेलेवेंट अकाउंट्स द सेल्स लेजर एंड देन शो ट्रांसफर टू द सेल्स अकाउंट इन जनरल लेजर। तो तीन चीजें बनेंगी, सेल्स टेबल, सेल्स लेजर और रिसीवेबल लेजर और जनरल लेजर। तो पहले हम बनाएंगे सेल्स टेबल। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत आसान है, टॉपिक बहुत इजी है, स्टार्ट होते ही खत्म। अच्छा पहले हम बना रहे हैं सेल्स टेबल, और ये इसका एक सिंपल सा फॉर्मेट है सेल्स टेबल का, डेट, इनवॉइस नंबर, कस्टमर नेम, पोस्ट रेफरेंस, अमाउंट। ठीक है ओके, फर्स्ट ट्रांजेक्शन है क्रेडिट सेल्स टू बी हो 310। अब ये रिकॉर्ड करेंगे, डेट देखिए, नाम लिखा, अमाउंट लिख लिया। अच्छा इनवॉइस नंबर गिवन नहीं है तो फिलहाल छोड़ देंगे। अब थर्ड है क्या, हाँ अच्छा 3rd मार्च क्रेडिट सेल्स टू टी फाइन 285, ये हमने सेल्स रिकॉर्ड कर ली। नेक्स्ट है क्रेडिट सेल्स टू एलमोर 38, क्रेडिट सेल्स टू बी हो, ये नाम नहीं है ऐसे ही है, मतलब ऐसे नाम नहीं होते किसी के। क्रेडिट सेल्स टू एस टॉल 534, सिंपली क्या है कॉपी पेस्ट करना है, क्रेडिट सेल्स टू जे यर 92, क्रेडिट सेल्स टू टी मोस्ट 44, क्रेडिट सेल्स टू आर बैच 112, कंप्लीट। अच्छा इसके बाद इन अमाउंट्स का टोटल कर लेंगे तो हमें मिल जाएंगी टोटल क्रेडिट सेल 1489, टोटल क्रेडिट सेल्स आर, और ये सेल्स डे बुक कंप्लीट। बस कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल कॉपी पेस्ट किया, इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल स्टार्ट होते ही खत्म। अभी सेल्स है वो कंप्लीट, अब नेक्स्ट हम बनाएंगे सेल्स लेजर और रिसीवेबल लेजर। अच्छा रिसीवेबल लेजर में हर कस्टमर का इंडिविजुअल अकाउंट बनेगा बाय नेम। अब बाय नेम यहाँ अकाउंट्स बनेंगे, ठीक है। पहला कस्टमर कौन है, बी होप, तो पहले एक अकाउंट बन जाएगा बी होप के नाम से। अब ये होगा अकाउंट रिसीवेबल बी हो। अच्छा भी होता है क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है, क्रेडिट सेल की डबल एंट्री, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। और ये बी हो कौन है, हमारे कस्टमर, अकाउंट रिसीवेबल, तो ये डेबिट होगा। अब इसको हम डेबिट कर देंगे 310 और 74 से, क्योंकि दो बार हमने गुड सेल की है इसको,
अब यहाँ पे डे बुक पे आ जाए, देखिए यहाँ हमने बीओ को दो बार गुड सेल किए, पहले 310 की और 74 की, तो ये यहाँ पे लेजर में दो बार डेबिट हो जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल बी ऑफ डेबिट 310 और अकाउंट रिसीवेबल बी ऑफ डेबिट 74। हाँ, हर कस्टमर का अलग बने। एक क्वेश्चन में तीन रिक्वायरमेंट आ गई, तीन रिक्वायरमेंट है इसकी, ठीक है। और यही इसका एक प्रॉपर सीक्वेंस भी होता है, इसी सीक्वेंस में प्रैक्टिकली भी काम होता है। ये जो हम डे बुक बनाते हैं इसमें डेली बेसिस पर क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होती है, और डे बुक को देखकर रिसीवेबल लेजर में डेली बेसिस पर ट्रांजेक्शन हम पोस्ट करते हैं, और उसके बाद फिर मंथ एंड पे जर्नल लेजर बनता है, ठीक है। ये पूरा एक सीक्वेंस है। याद होगा जब हम लोग जनरल लेजर बना रहे थे उस वक्त मैंने कहा था ना कि अभी आप सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल पेबल लिख लें, बाय नेम हम बाद में बनाएंगे। तो अब ये बाय नेम इस तरह होता है, तो बाय नेम जो अकाउंट्स बनते हैं वो रिसीवेबल पेबल लेजर में बनाए जाते हैं, जनरल लेजर में बाय नेम नहीं बनता। वहां पे एक ही अकाउंट होता है रिसीवेबल और पेबल टोटल से। अच्छा, सेकेंड कस्टमर कौन है? अब ये इससे हमने क्रेडिट सेल्स की है तो ये भी डेबिट होगा, तो अकाउंट रिसीवेबल टी फाइन डेबिट 285। नेक्स्ट कस्टमर है एलमोर, ये भी डेबिट हो जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल एलमोर डेबिट 38। तो अब ये डे बुक को देखते हुए लेजर में हम ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे। नेक्स्ट है एच फॉर, तो आ गया ना पहले ऊपर पहला अकाउंट बीओ का, तो पहला अकाउंट दो बार सेल कर रहे हैं, दोनों सी में रिकॉर्ड करेंगे ना, एक ही जगह पोस्ट होगा। अगर एक कस्टमर को दो बार सेल कर रहे हैं तो एक ही अकाउंट में पोस्ट करेंगे ना सी। अच्छा, नेक्स्ट है एच टॉर, ये भी डेबिट हो जाएगा। जे यंग डेबिट, टीमोस डेबिट हो जाए। ये हमने क्रेडिट सेल्स की तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट डेबिट डेबिट। ओके, लास्ट रह गया आर बेस्ट, ये भी डेबिट हो जाएगा, बेस्ट हो गया, ठीक है। ओके, इसके साथ ये तो हो गया रिसीवेबल लेजर कंप्लीट। अब रिसीवेबल लेजर के बाद हम बनाएंगे जर्नल लेजर, जर्नल लेजर बनेगा। अच्छा, जर्नल लेजर में सेल्स से रिलेटेड दो अकाउंट्स बनेंगे, जर्नल लेजर में अब दो टी अकाउंट्स बनेंगे, एक बनेगा अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट के नाम, तो पूरा नाम है अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, और सेकेंड अकाउंट बनेगा सेल्स का, दो अकाउंट बनेंगे। और यहां पर हम पोस्ट करेंगे टोटल, अब जो सेल्स डे बुक का टोटल आया था ना, सेल्स डे बुक का टोटल कितना था? 1489। ये थी हमारी टोटल क्रेडिट सेल्स। अब ये टोटल हम पोस्ट करेंगे जर्नल लेजर में। अब जर्नल लेजर में तो अकाउंट्स बनेंगे, पहला अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, ये डेबिट हो जाएगा 1489 से, और सेकेंड हम बनाएंगे सेल्स अकाउंट, ये क्रेडिट होगा 1489। तो जर्नल लेजर में टोटल अमाउंट से पोस्टिंग करेंगे। फिलहाल एक ही है तो जरूरत नहीं है, करते हैं वैसे बैलेंसिंग क्लोजिंग सब होगी, लेकिन एक ही ट्रांजेक्शन, इसलिए फिलहाल हम बैलेंस नहीं करते, तो वही टोटल आएगा, वही कैरी डाउन, वही ब्रॉट डाउन, इसमें काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसका ये कंप्लीट प्रोसीजर हो गया, डे बुक्स बनाई, सेल्स लेजर और जर्नल लेजर। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन पोस्ट होंगी टोटल से। ये क्वेश्चन वन यहाँ पर कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर टू, अब इसमें हम बनाएंगे परचेज टेबुक, टेबल लेजर और जर्नल लेजर। अच्छा, परचेज टेबुक जब फॉर्मेट दोनों का सेम है, सेल्स टेबुक और परचेज टेबुक का फॉर्मेट सेम है, डिफरेंस कहाँ आएगा? सिर्फ यहां पर कस्टमर नेम की जगह सप्लायर नेम आ जाएगा, बाकी फॉर्मेट सेम रहेगा। आवाज नहीं है आपकी। तीनों चीजें जो किसो बनाएंगे सीधा बताएं। वेट, क्लास के एंड कर। अच्छा, पहली ट्रांजेक्शन क्रेडिट परचेज फ्रॉम डीपॉप, ठीक है, 720। उसके बाद नेक्स्ट क्रेडिट परचेज फ्रॉम एफ लॉयड, 1088। सेम वही बनेगा, सेम क्रेडिट परचेज फ्रॉम बी टंकी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्रेडिट परचेज फ्रॉम जे विल्सन, 180। प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ऐसे ही ऐसे ही, एग्जाम पेपर थोड़ी है। क्रेडिट परचेज फ्रॉम आर प्रेयर, क्लास पेपर थोड़ी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन है। नहीं, और इसके बाद टोटल कर लेंगे। टोटल परचेज आ गई 3686, टोटल क्रेडिट परचेज। आवाज नहीं है आपकी, कॉपी कर लें। इस डे बुक के बाद हम बनाएंगे पेबल लेजर। अच्छा, क्रेडिट परचेज की डबल एंट्री क्या होती है? क्रेडिट परचेज की डबल एंट्री, परचेजेस डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। तो अब ये सब अकाउंट पेबल क्रेडिट हो जाएंगे ना। तो पहला सप्लायर कौन है? डीपॉप, ठीक। पहला अकाउंट हम बनाएंगे डीपॉप का और ये हो जाएगा क्रेडिट। तो अकाउंट्स पेबल डीपॉप क्रेडिट 720। फिर नेक्स्ट सप्लायर कौन है? एफ लॉयड, और ये हो जाएगा अकाउंट्स पेबल एफ लॉयड क्रेडिट 1088। और फिर ये थर्ड आ जाएगा बी संकी, क्रेडिट हो जाएगा। जी, अपना नाम सुन के मुस्कुरा रहे हैं। हंसी आ गई। जे विल्सन, ठीक है। और नेक्स्ट है आर फ्रेयर, कॉपी कर रहे हैं। फिर कंप्लीट। अच्छा, इसके बाद जनरल लेजर बनाएंगे। तब जनरल लेजर में दो टी अकाउंट्स बनेंगे, परचेजेस का और दूसरा अकाउंट्स पेबल कंट्रोलिंग। और यहाँ पे हम पोस्ट करेंगे टोटल। डे बुक का टोटल कितना था? तो 3686। यहाँ पर अब हम परचेज डेबिट होंगी 3686, और अकाउंट्स पेबल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 3686। हाँ,
अब ये हो गए सेल्स डे बुक, ठीक है। अच्छा देखिए, सेल्स अब हम करते हैं तो कस्टमर को हम इनवॉइस बनाकर देते हैं ना, इनवॉइस है बल क्या जिसको। अच्छा अभी हमने एक गुड सेल की, अब क्वेश्चन बाद है कस्टमर रिटर्न करने आ गया, गुड्स रिटर्न करने आया, सेल्स रिटर्न, तो रिटर्न के टाइम पर भी तो हम कोई डॉक्यूमेंट बनाकर देंगे ना उसको कि क्या क्या चीजें हमने रिटर्न दी उससे, क्या क्या उसने रिटर्न की। तो रिटर्न के टाइम पर जो डॉक्यूमेंट बनते हैं उसे कहते हैं क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट कहलाता है। तो सेल्स के टाइम पर इनवॉइस इशू होती है और सेल्स रिटर्न के टाइम पर क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। तो उसमें हम लिख कर देंगे कस्टमर को कि इसने कौन कौन सी गुड्स रिटर्न की, ठीक। तो अब जो सेल्स रिटर्न डे बुक बनाएंगे तो उसमें इनवॉइस नंबर की जगह कॉलम बनेगा क्रेडिट नोट नंबर का कॉलम बनेगा। यहाँ पर इनवॉइस क्रेडिट नोट नंबर आएगा, बाकी सब सेम है। तो उसे याद रखना है सेल्स के टाइम पर इनवॉइस इशू होती है और सेल्स रिटर्न के टाइम पर क्रेडिट नोट इशू किया जाता तो है। देखो वो बताएंगे बात सब, अभी ये काम करें सब लिखो आप। अच्छा इसमें दो ट्रांजेक्शन थे हमारे 10th और 24th ना। अच्छा 10th को है गुड्स रिटर्न टू अस बाय बी डॉट एफ ट्रिप, और इसके बाद 24 को गुड्स रिटर्न हो रही है 24L, और इनका टोटल कर लेंगे तो ये टोटल सेल्स रिटर्न आ गई 67, और ये सेल्स रिटर्न डे बुक कंप्लीट। कॉपी कर लें। अब सेल्स डे बुक और सेल्स रिटर्न डे बुक को देखते हुए हम बनाएंगे रिसीवेबल लेजर, ठीक है। पहला कस्टमर कौन है? ओके अब इसे हमने गुड सेल किए हैं तो इसने हमें सेल्स भी किए, सेल्स रिटर्न भी है ना। जो सेल हमने किए हैं 240 की और सेल्स रिटर्न है 19। अब देखिए क्रेडिट सेल की डबल एंट्री क्या होती है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, और सेल्स रिटर्न की डबल एंट्री सेल्स रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। सेल्स के टाइम पर रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होगा और सेल्स रिटर्न के टाइम पर रिसीवेबल क्रेडिट होता है, ठीक। अब दोनों डे बुक्स को देखे हुए यहाँ पोस्टिंग करेंगे, ये बी डॉक एक बार डेबिट हो जाएगा और एक बार क्रेडिट। सेल हमने की 240, तो रिसीवेबल डेबिट हुआ और सेल रिटर्न हो रही है 19, तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। लेजर एक ही बनेगा, हर कस्टमर का एक ही लेजर बनेगा, उसी में सेल्स आएंगे और रिटर्न भी वहीं पे, फिलहाल जरूरत नहीं करना चाहे तो। इसी तरह से बाकी सारे अकाउंट्स बनेंगे। ले सकते ले सकते, वैसे ही बनेंगे। तो सेल्स के टाइम पर रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होगा और सेल्स रिटर्न के टाइम पर रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट होगा। बाकी इसको बैलेंस करना चाहे तो कर लीजिएगा, मैंने बैलेंस नहीं किया हुआ, तो आप क्लोजिंग बैलेंसिंग करना चाहे तो कर सकते। तो यहाँ से थोड़ी लिखेंगे हम, जनरल लेजर तो डे बुक से पोस्ट करते हैं ना, यहाँ से थोड़ी जाते। अच्छा चल, अब ये एक दफा बस आप एक काम करें, और बहुत सारे अकाउंट है तो घर जाके इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, बाकी लेजर क्या। अच्छा इसमें मैं आपको, हाँ लेजर दिखा देता हूँ, घर जाके कॉपी कर लीजिएगा आराम से, मुझे ज्यादा लेजर बनेगा वो थोड़ी बने। कौन सा वाला? तो शुरू में जो लिखा है रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अच्छा इसके बाद इसी तरह ये बाकी अकाउंट्स बनेंगे, तो आप इसका जनरल लेजर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ये सब तो इसी तरह सेम बनेंगे सब। नेक्स्ट,
बैंक अब भी अप है, ठीक है, टोटल 9 बन रहा है। तो नेक्स्ट क्या आप जनरल लेजर बनाएंगे? जनरल लेजर में टोटल 3 अकाउंट्स बनेंगे कि पहले हम सेल्स डे बुक से सेल्स पोस्ट करेंगे। आप सेल्स डे बुक का टोटल क्या था? सेल्स डे बुक का 3143। अब देखिए क्रेडिट सेल्स की डबल एंट्री क्या होती है? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होगा 3143 से डेबिट, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 3143 से। पहले हमने सेल्स पोस्ट कर दी, ठीक है, टोटल सेल्स है, रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट हो गए। आप सेल्स रिटर्न डे बुक का टोटल देखें कितना है, ठीक है। आप सेल्स रिटर्न की डबल एंट्री क्या होती है? सेल्स रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो, ये सेल्स रिटर्न पोस्ट हो जाएंगे। सेल्स रिटर्न डेबिट 67, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 67, ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 3 कंप्लीट। ओके।